स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, गंबल मेथड से ही रिलेटेड है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, क्या होता था, हम अभी तक एक्स टी निकालते थे। कैसे निकालते थे एक्स टी? एक्स टी क्या होता था, कोई टी रिटर्न पीरियड का एक बड़ा फ्लड, है ना, जैसे 50 साल बाद कौन सा बड़ा फ्लड आएगा, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, है ना, ऐसे हम निकालते थे। कैसे निकालते थे? x मीन प्लस k इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे निकालते थे। लेकिन इसमें भी कुछ एरर होते थे, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे हो, कोई आप रीडिंग तो ले नहीं रहे हो, है ना, और रीडिंग जो आई है उनकी हेल्प से फॉर्मूला बना के आप निकाल रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होंगे, है ना। जैसे आप एग्जाम दे के आते हो, मान लो सेमेस्टर एग्जाम दे के आते हो, है ना, घर पहुंचते हो तो मम्मी पापा पूछते हैं ना कि अब कितने कितने आपके मार्क्स आएंगे, तो आप बोलते हो हाँ मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे मार्क्स 80 में से 70 आ जाएंगे, या मैं 10% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे 80 में से 80 आ जाएंगे, ऐसा बोलते हो आप। तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस लिमिट होती है कि हाँ, रेंज बता पाते हैं हम, या फिर कई बार कि हाँ मैं 90% श्योर हूँ कि मेरे 60 से 70 तो आ ही जाएंगे, ऐसा मैं बना के आया हूँ, है ना, या मैं 90% श्योर हूँ कि मैं पास तो हो ही जाऊँगा, ठीक है, ऐसा बोलते हो आप। तो वैसे ही हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट हमको बताती है कि हाँ, 100 साल का है या 1000 साल रिटर्न पीरियड का जो हमारा डिस्चार्ज है, वो इस लिमिट से इस लिमिट तक रहेगा, इसमें मुझे अलग अलग टाइप की कॉन्फिडेंस है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x12 लिख सकते हो आप, कि एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक। कैसे निकालोगे आप? एक्स टी प्लस माइनस फंक्शन ऑफ सी इंटू एस बी, ठीक है, या एस बी लिख लेते हैं, ठीक है, एस ई लिख देते हैं इसको, चलो इंटू एस ई, या सिर्फ एस ई लिख देते हैं हम, एस ई लिख देते हैं, चलो एस ई, ठीक है। अब इसमें एक्स टी पता है आपको क्या है? एक्स टी क्या है? हमारी ये वैल्यू जो हम निकालते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, ऑब्जर्व्ड वैल्यू की हेल्प से, ठीक है। अब एफ सी क्या है? सी मान लो आपका परसेंटेज है, आपको पूछा कि 50% अगर लिमिट से आपको निकालनी है, 50% प्रोबेबिलिटी या 50% कॉन्फिडेंस से आपको बताना है कि मेरा एक्स टी किस रेंज में रहेगा, तो मैं सी की वैल्यू 50 में देखूंगा कि एफ सी की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू 0.674, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0.674। वैसे अगर मुझे 80% के लिए पूछा तो मैं एफ सी की जगह क्या लिख दूंगा, 1.282, ठीक है, 95% के लिए पूछा तो मैं एफ सी की जगह क्या लिख दूंगा, 1.96। तो ये क्या है, आपके परसेंटेज जिसकी कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो, और एफ सी क्या है उसका वैल्यू, ठीक है, ये टेबल आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बीच का कई बार पूछ दिया तो आपको इंटरपोलेशन करना पड़ सकता है। फॉर्मूला क्लियर है? ऐसी हम देख लेते हैं, ऐसी क्या है, ऐसी है, मैंने आपको एक्स टी बता दिया, एक्स टी क्या होगा आपका मेन डिस्चार्ज जो टी रिटर्न पीरियड के बाद आने वाला है, ठीक है, जो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से आपको रेंज पता चलेगी, प्लस और माइनस लिखा हुआ है हमने, प्लस ये वैल्यू या माइनस ये वैल्यू, ऐसे वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे आप कोई शॉप में जाते हो बनवाने, मोबाइल बनवाने जाते हो, है ना, तो वो आपको बोलता है कि 1000 रुपये लगेगा और बाकी आपका जो कॉस्ट मेरे को पता नहीं अभी क्या चल रही है, तो प्लस माइनस 200 हो सकता है, ठीक है, तो या तो आपको वो रिपेयरिंग 1200 भी पड़ सकती है या 800 भी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये मौसम है, आप बता नहीं सकते इसमें, है ना। वैसे भी वहाँ अगर उसको प्राइस नहीं पता है, वो आपको बता के, या आपको उसको पता नहीं है कि आपकी बाइक या मोबाइल कितना और क्या क्या खराबी है, इसलिए वो आपको एक एस्टिमेट दे देता है रेंज का, है ना, वैसे हमको यहाँ पे भी एक रेंज मिलेगी। चलो अब ऐसी लिख लेते हैं, ऐसी क्या है, ऐसी है हमारा प्रोबेबल एरर, ठीक है, जो कि आपके कैलकुलेशन में आ सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एफ सी की वैल्यू इंटू प्रोबेबल एरर जो आएगा उसी का प्लस माइनस, सिंपल चीज है ना। आप एग्जाम भी बना के आते हो, तो जैसे आपने आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपने 6 क्वेश्चन एकदम करेक्ट बना लिए, तो आपको पता है कि हाँ 6 क्वेश्चन तो मेरे पक्के बने हुए हैं। अब आपके मान लो नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है,
और आपने टोटल 8 बनाए हैं, 8 में से 6 में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्या बोलोगे, मेरे 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन के मार्क्स प्लस माइनस 2 क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिमिट है, तो एरर आपके पास 2 क्वेश्चन का है। यहाँ एरर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ एरर का फॉर्मूला होता है एस ई इज इक्वल्स टू, लिख देता हूँ मैं, एस ई इज इक्वल्स टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है जो कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हम बी को कैसे निकालते हैं, बी को हम निकालते हैं अंडर रूट 1+1.3k +1.1k स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके बी का फॉर्मूला। एन क्या होगा, एन है आपका सैंपल साइज। ठीक है, एन क्या है, एन है मेरा सैंपल साइज। ठीक है, सैंपल साइज। और के है मेरा, के है मेरा क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, और आपका एन क्या है, एन तो पता चल गया सैंपल साइज, और ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। क्लियर है आपको फॉर्मूले, सब पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। रेंज निकालेंगे एक हम, ठीक है, एक प्रॉब्लम करेंगे अभी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चीजें फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। ऐसी कैसे निकालेंगे, बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, और बी कैसे निकालोगे, 1+1.3k +1.1k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं xt नहीं लिखा हूँ, आपको पता है xt क्या है। fc क्या हो गया, एरर, c परसेंटेज और उसका फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ये टेबल आपको गिवन ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो। चलो तो आगे देखते हैं, डाटा कवरिंग अ पीरियड ऑफ 92 ईयर्स। ठीक है, फॉर द रिवर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एनुअल फ्लड। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप भी ट्राई करना पढ़ के, मैं तो बनवाऊंगा ही आपसे। एनुअल फ्लड सीरीज एज 6437 and 2951 m³/s। तो चलो अब हम पहले लिख लेते हैं अपना गिवन डाटा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा। ठीक, तो हमारे पास x बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है आपको, देखो लिखा है मीन कितना है 6437। ठीक है, कितना है 6437 m³/s। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, कितना है 2951। ठीक है, कितना है 2951 m³/s। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको निकालना क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दोनों वैल्यू रिस्पेक्टिवली, यूजिंग गंबल्स मेथड, यूजिंग गंबल्स मेथड एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज विथ रिटर्न पीरियड ऑफ 500 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है एक्स 500, क्या निकालना है एक्स 500। ठीक है, और क्या निकालना है, और व्हाट आर द 95% एंड 80% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर दिस एस्टिमेट। और हमको निकालना है कि ये जो 500 है ना, 500 साल बाद जो फ्लड आ रहा है वो कितने से कितने वेरी कर सकता है 95% कॉन्फिडेंस के लिए और 80% कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे, जो हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, 500 साल का पीक वैल्यू। ठीक है, फ्लड की पीक वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला होगा, यही लिख देता हूं क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x 500 इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू दिस, तो x 500 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6437 प्लस 6437 प्लस k है क्या, k तो नहीं है, k निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं k 500 इज इक्वल्स टू y t बोलते हो ना, y n bar डिवाइडेड बाय sn। तो अब हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, तीनों की वैल्यू चाहिए है,
ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि वाई एन की वैल्यू क्या है। वाई एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेबल में दी हुई है क्या? नहीं है, वैसे तो 92 है ना, 92 ईयर्स के लिए। अब हम अपने टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.5589। कितनी आ रही है? वाई एन बार 0.5589, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं एस एन की वैल्यू आनी चाहिए 1.2020। देख लेता हूँ एक बार, यही है मेरे ख्याल से 92 के लिए, 92 के लिए एस एन की वैल्यू है 1.2020, ठीक है। चलो, और एक्स 500 कैसे निकालेंगे हम? तो एक्स 500 इज इक्वल्स टू माइनस ln टी बाय, तो यहाँ टी की जगह मैं एक तो 500 लिख ही चुका हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 500 डिवाइडेड बाय 499, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 6. कुछ आता था हमारे पास 6.2 कुछ, देख लेते हैं, ये आ रहा है माइनस ln 500 डिवाइडेड बाय 499, तो ये आ रहा है 6.2136, ठीक है। चलो, यहाँ तक आ चुका है हमारे पास। अब हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k 500 क्या आ रहा है, तो k 500 आएगा आपका, ये हो गया 6.2136 माइनस 0.5589 डिवाइडेड बाय 1.020, ठीक है। तो अब मेरे पास आ रहा है K500 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताएंगे, तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 2136 माइनस 0.5589 डिवाइडेड बाय 1.202, तो ये आ रहा है 4.7044, ठीक है। आ गया K500। अब आप यहां से इजीली क्या निकाल सकते हो, यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं X500, ठीक है। कैसे निकालूंगा X500, ये आ गया मीन, K की वैल्यू कितनी आई 4.7044 इनटू कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरे पास 2951, ठीक है। चलो, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ रहा है वैल्यू, 6437 प्लस 4.7044 इनटू 2951, तो ये आ रहा है 20319.68। तो आप इसको ले सकते हो 20320 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आ गया मेरे पास कितना आया एक्स 500, 20320, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या बचा हुआ है देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट अब मुझे क्या निकालना है, कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना है फॉर 95% एंड फॉर 80%, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर 95%, ठीक है। यहां पे मैं सब क्लोज कर देता हूं, यहां हम पहली चीज निकालते हैं फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है इसका, फॉर्मूला बोलता है कि आंसर कैसे आना चाहिए, XT प्लस माइनस FC इंटू AC, ठीक है। तो FC है क्या मेरे पास 95% के लिए, FC है मेरे पास 95% के लिए, कितना आ रहा है 95 के लिए 1.96, तो मैं लिख देता हूँ गिवन डाटा में, ठीक है। FC क्या हो जाएगा, F ब्रैकेट C फंक्शन ऑफ C इज फॉर 95% 1.96, टेबल से देखा हमने। नेक्स्ट अब हम निकाल लेते हैं, एस बी चाहिए, एस सी चाहिए हमको, एस ई भी चाहिए ना हमको, यहां से हमको एस ई भी चाहिए है ना, एस ई, एस सी के लिए हमको क्या चाहिए, पहले बी चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे बी, तो बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 1.3, के क्या है, के की वैल्यू है कि मेरे पास कितनी 4.7044 प्लस
1.1 इंटू 4.7044 का स्क्वायर। तो अब k की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास देखेंगे, तो k की वैल्यू आ रही है 1+1.3 इंटू 4.7044 प्लस 1.1 इंटू 4.7044 का स्क्वायर। तो ये आ जा रहा है मेरे पास 5.089 है ना, 5.609 ले लेता हूँ मैं, 89 आ रहा है, 9 ले लेते हैं हम, ठीक है। चलो अब भी आ गया, अब मैं निकाल सकता हूँ ऐसी, है ना, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऐसी निकाल सकता हूँ मैं, कितना आ रहा है ऐसी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऐसी का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन है फॉर्मूला, ठीक है। तो वही यूज करेंगे हम, कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एसी इज इक्वल्स टू चलो बी कितना है 5.609, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है 2951 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, तो अंडर रूट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 92, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 92, क्योंकि डेटा कितना है 92 ईयर्स का डेटा है, लिखा है देखो यहां पे 92 ईयर्स का डेटा लिखा हुआ है, 92 ईयर्स का, तो 92 लोगे एन की वैल्यू, ठीक है। और मैं इसकी वैल्यू क्या लूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन की 2951, ठीक है। चलो अभी ये देखेंगे हम क्या आ रही है वैल्यू एसी की, तो एसी की वैल्यू आ रही है 5.609 इंटू 2951 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 92, ये आ रही है 1725, ठीक है। कितनी आ रही है एसी की वैल्यू 1725.68, तो मैं ले लेता हूँ 1726, ठीक है। आ गया एसी, अब मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ 95% की कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। तो ये कितना आएगा देख लेते हैं हम, एक्स 1/2 इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 320 प्लस माइनस 1.96 इंटू 1726, ठीक है। तो मेरे पास लिमिट कितनी आ रही है देख लेते हैं हम, 1726 इंटू 1.96 तो ये आ रहा है 3380 बोल सकते हो आप, देख लेते हैं ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कितना आ रहा है इसमें ऐड कर देंगे हम 320, तो ये आ रहा है 2307, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास आ रहा था 3382.96, तो मैं इसको ले लेता हूँ 3383 ले लेते हैं इसको, ठीक है, पूरा ही ले लेते हैं इसको 3383, ठीक है 3383। तो क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आंसर, यहां मैं आंसर लिख दे रहा हूं, पूरा आंसर हो जाएगा आपका 20320 प्लस माइनस 3383, ठीक है। क्या आ गया आपका आंसर, आ गया प्लस माइनस 3383। तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये मिटा देता हूं मैं, फॉर्मूला है ना, ये आपको पता होगा, याद हो गया होगा अब तो, या आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगी वैल्यू, वैल्यू वेरी करेगी इसकी देख लेते हैं हम, एक्स वन कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 20320 प्लस 3383, ये आ रहा है 23, ये आ रहा है 23703 से लेके एक्स टू आ रहा है मेरा, माइनस कर दूंगा तो ये आ रहा है मेरा 1600937 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या हो गई लिमिट, मैं 95% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं
कि 500 साल का जो डिस्चार्ज आएगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो 16,937 से 23,703 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, पहली चीज आ गई है। अब हम देख लेते हैं सेकंड, इसको भी मिटा देता हूं मैं, है ना, बाकी की हमको जरूरत है नहीं। मैं यहां बस के की वैल्यू लिख लेता हूं, के 500 इज इक्वल्स टू कितना आया था, 4.7044। ठीक है, तो इसकी बस वैल्यू की जरूरत है मुझे आगे, बाकी किसी की वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो बाकी मैं क्या कर दूंगा, बाकी मैं मिटा दूंगा ये। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट मुझे बोल रहा है किसके लिए निकालना है, नेक्स्ट हमको निकालना है फॉर 80%, फॉर 80%। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर 80% सेकेंड बी, फॉर 80% कॉन्फिडेंस लिमिट, फॉर 80% कॉन्फिडेंस लिमिट एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी देख लेते हैं। 80% के लिए कितनी दी हुई है एफ सी की वैल्यू, 1.282 गिवन है एफ सी की वैल्यू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आप क्या निकालते हो, सबसे पहले हम निकालेंगे बी, सबसे पहले हम निकाल लेंगे बी। तो बी कैसे निकालते हैं हम, बी का फॉर्मूला क्या है, 1 + 1.3 के कितना है 4.7044 प्लस 4.7044 का स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 + 1.3 × 4.7044 प्लस 1.1 × 4.7044 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5. सेम ही आएगा, है ना, चेंज थोड़ी होगा हर किसी के लिए। चलो जब भी हमने निकाल लिया दोबारा, सेम ही आ रहा है ना, चेंज नहीं होगा ये। तो अब एसी की वैल्यू भी चेंज होगी क्या, एसी की वैल्यू भी सेम आएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एस 1/2, एक्स 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर 80%, ये हो जाएगा 320 प्लस माइनस 1.282 इंटू एस बी भी कितना आ रहा है मेरा, सॉरी एसी, एसी आएगा मेरा, एस ई आएगा मेरा वही 3383। ठीक है, तो इंटू 3383। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, इसकी वैल्यू वेरी करेगी 20 + 1.282 इंटू 3383, ये हो जाएगा 24,657 से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है ये, एक मिनट फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, 1.20320 प्लस 1.96 × 1726 है, सॉरी ये कितना है हमारे पास, ऐसी की वैल्यू है 1726। ठीक है, ये गलत हो जा रहा था, 1726। तो मेरा x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 22 कुछ आएगी, देख लेते हैं, ये आएगी 282, ये आ जाएगी 22,532 से लेके x2 आ जाएगा मेरा 18,107.26 है। ठीक है, आ गए हमारे पास दोनों, कि अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस से बोलूँगा तो फिर कौन सा आ सकता है आंसर, 95% से
ये वाली रेंज है मेरे पास, ठीक है, 23,703 से लेके 16,937 तक। और अगर 80% कॉन्फिडेंस से बोलूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, 22,532 से लेके 18,107 तक, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने से बनाने का ट्राई करेंगे, तब तक मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स फ्लड डाटा ऑफ टू रिवर्स, ठीक है। अब क्या हो गया, क्वेश्चन और बड़ा हो गया, ठीक है, टू रिवर्स के लिए। तो टू रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा, देखो पहले दिया हुआ है हमको गंगा यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना दोनों का दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, 92 और 54, ठीक है, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, 92 और 54, और आपको क्या दिया हुआ है, मीन एनुअल फ्लड, ये क्या है, ये है मेरा एक्स बार, ये क्या है, एक्स बार है, मीन फ्लड भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है दोनों का, ठीक है, दोनों का मीन फ्लड भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका देखो मीन दिया हुआ है हमको कितना, 64,37 और 56,27, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 2,951 और 3,360, ठीक है। निकालना क्या है, एस्टिमेट द 100 एंड 1,000 ईयर फ्लड, ये तो अब आपके लिए एकदम चुटकियों खेल हो जाना चाहिए, ठीक है, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम। फ्लड्स ऑफ दीज टू रिवर्स बाय यूजिंग गंबल्स मेथड, ठीक है, और निकालना है व्हाट आर द 95% कॉन्फिडेंशियल लिमिट इंटरवल या कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले हम निकाल लेंगे y100 और y1000, है ना। नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो x100 इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस k100 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 100 का तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है आपको रिवर का, और मीन भी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, k100 कैसे आएगा, y100 माइनस yn बार डिवाइडेड बाय sn, ठीक है, और y100 कैसे आएगा, y100 आएगा माइनस ln t डिवाइड बाय, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 100 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ जाएगा 4.6, ठीक है। तो y100 तो हमको पता है 4.6 आता है, अब इतने बार निकाल चुके हैं, ठीक है, चलो तो 4.6 आ गया मेरे पास, क्या y100 आ गया मेरे पास 4.6, y100 आ गया है 4.6, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूं k100 के लिए क्या है, y100, तो y100 है मेरे पास 4.6 माइनस, अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, y बार yn बार और sn, फॉर कितने सैंपल साइज के लिए, 92 के लिए, किसके लिए निकालोगे, 92 के लिए, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं यहीं पे, फॉर 92 सैंपल साइज, फॉर 92 सैंपल साइज क्या हो जाएगा हमारा yn और sn, यहां लिख देते हैं अच्छे से, ये बढ़ जाएगा आगे, अच्छा नहीं लिखेगा, है ना, यहां लिख देते हैं हम नीचे अच्छे से, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर 92 सैंपल साइज yn इज इक्वल्स टू 0. कितना आया था पिछली बार, हमने लिखा भी था 0.5589, 0.5589, और sn क्या आया था, टेबल कौन सा देखोगे इनके लिए, 7.3 और 7.4 टेबल देखना है, ठीक है, याद रखना हमेशा, कौन से बुक का, के सुब्रमण्यम का, ठीक है, 1.2020, ठीक है, आ गया हमारे पास। अब निकाल लेते हैं k100 कितना आ रहा है, सो k100 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, k100 y100 है 4.6 माइनस 4.6 माइनस
ठीक है, 4.6 माइनस कितना है, वाई एन बार है मेरे पास 0.5589 डिवाइडेड बाय एस एन कितना है 1.2020, ठीक है। तो आप कितना आ रहा है के हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अराउंड, निकाल लेते हैं, 4.6 माइनस 4.6 माइनस 0.5589 डिवाइडेड बाय 1.202, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.202, तो के आ रहा है मेरे पास 3.K100 आ रहा है, 3.362, ठीक है, K100 आ गया 3.362, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसके लिए X100। X100 कितना आ जाएगा, ये देखो मीन वैल्यू करूंगा मैं पहले, मीन वैल्यू कितनी है 6437 प्लस के की वैल्यू क्या है 3.362, ठीक है, इनटू इनटू हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है 2951 इनटू 2951, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम फॉर रिवर गंगा, फॉर रिवर गंगा, ठीक है। गंगा के लिए हमको क्या करना है, 100 और 1000 निकालना है, और फिर यमुना के लिए भी 100 और 1000 ईयर का रिटर्न पीरियड निकालना है, और फिर दोनों की कॉन्फिडेंस लिमिट भी निकालनी है, ठीक है, लंबा है काम। चलो तो ये आ गया हमारे पास, तो X100 कितना आ रहा है मेरे पास, X100 आ रहा है मेरे पास 6437 प्लस 3.362 इंटू 2951, तो ये आ रहा है 16360, 16360 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लेते हैं आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं, सही आ रहा है हमारा 16360, ठीक है, कहीं गलती नहीं हुई हमसे। तो ये किसके लिए था, फॉर 100 ईयर्स, ये था फॉर 100 ईयर, है ना, फॉर 100 ईयर, लिख देता हूं यहां पे फॉर, यहां लिख देते हैं हम ए तो लिख चुके हैं हम, यहां लिख देते हैं रोमन नंबर में 1, फॉर 100 ईयर रिटर्न पीरियड, फॉर 100 ईयर रिटर्न पीरियड पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड, फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड, ठीक है। चलो अब इसके लिए क्या करोगे आप, पहले K1000 निकालना पड़ेगा, K1000 से पहले मैं निकाल लेता हूं Y1000 इज इक्वल्स टू माइनस ln T, कितना आ जाएगा, T हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय T-1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, माइनस ln 1000 डिवाइडेड बाय 999, तो ये आएगा 6.907, 6.907, ठीक है। आगे हमारे पास Y100, अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे, सॉरी Y1000 आ गया है। अब आपको पता है YN और SN की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि सैंपल साइज तो सेम है ना, सैंपल साइज तो 92 ही है। तो चलो हम K निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं पहले YN बार कितना आ रहा है, YN बार आ रहा है 0.5589 और SN आ रहा है मेरे पास 1.2020, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, गंगा के लिए तीनों चीज निकाल लेंगे हम गंगा के लिए पहले, है ना, कॉन्फिडेंस लिमिट भी और 100 और 1000 का, कॉन्फिडेंस लिमिट दोनों का निकालना पड़ेगा, 100 और 1000 का ही, ठीक है। तो पहले हम पूरा
गंगा का कर ले रहे हैं, रिवर गंगा का, ठीक है। चलो तो अब क्या आ जाएगा हमारा, के 1000 इज इक्वल्स टू वाई 1000। फॉर्मूला क्या होता है, वाई 1000 माइनस क्या होता है, बार बार लिख दे रहा हूं मैं, वाई 1000 माइनस वाई एन बार डिवाइडेड बाय एस एन। तो ये आ जाएगा के 1000 इज इक्वल्स टू, कितना आना चाहिए के 1000, देख लेते हैं। वाई 1000 हो गया 6.907 माइनस 0.5589 डिवाइडेड बाय 1.2020। तो ये आ रहा है मेरे पास 6.907 माइनस 0.5589 डिवाइडेड बाय 1.2020, ये आएगा 5.28, ठीक है, आ गया 5.28। 128 है तो 13 ले लो, चलो चार डिजिट तक ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या आ जाएगा, आपका के आ गया, अब हम निकालेंगे एक्स 1000, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स 1000, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, मीन क्या होता है एक्स 1000 का, है ना, मीन कितना दिया हुआ है 6437, ठीक है। तो मीन निकाल लेंगे 6437 एक्स 1000, 6437 प्लस के कितना है, के है मेरे पास 5.2813 इंटू के बाद मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 29.51, ठीक है, कितना आ रहा है 29.51 तो ये हो गया मेरा अराउंड एक्स 1000 इज इक्वल्स टू 6437 प्लस 5.2813 इंटू 2951, ये आएगा 2222, है ना, 22022 आ रहा है, 22022 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ में लिख देंगे 22020, ठीक है, ये आ जाएगा 22020, ठीक है, दोनों चीज आ गई। अब हम आगे निकाल लेते हैं इसका कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला मिटा देता हूं मैं। आप अपने से ट्राई करो कि कैसे हम कॉन्फिडेंस लिमिट निकालते थे, है ना, ट्राई करो, फॉर्मूला देखो क्या होगा, फॉर्मूला लिखा भी हुआ है आपको, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, नेक्स्ट यहां मैंने 1 लिखा था फॉर रिवर गंगा, है ना, यहां भी रिवर गंगा का ही चल रहा है, थर्ड लिख लेते हैं हम, थर्ड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर 100 ईयर फ्लड इन रिवर गंगा, ठीक है, चलो। तो हम 95% कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल रहे हैं, हम किसके लिए, 100 ईयर फ्लड के लिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम एक्स 1/2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स 100 प्लस माइनस एफ सी इंटू हमारा एस ई, ठीक है। तो एफ सी की वैल्यू क्या है देख लेता हूं मैं, देखो एक्स 100 की तो गिवन है आपको, हमने निकाली है अभी, एक्स 100 की वैल्यू कितनी आई थी, 16360, तो यहां लिख देता हूं 16360 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर 95% दिया हुआ है 1.96। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एसी की वैल्यू निकालनी है ना, एसई की वैल्यू, तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला होता है बी, ठीक है, अपॉन ऊपर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ठीक है। लेकिन मेरे पास बी भी तो नहीं है, बी कैसे निकालूंगा मैं, बी आएगा मेरा अंडर रूट 1 प्लस 1.3 के प्लस
1.1 के स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 1+1.3 इनटू k कितना है, k कौन सा लोगे, k 1000 लोगे कि k 100 लेंगे, k 100 लोगे, ठीक है, कितना आ रहा है 3.362, तो ये हम लेंगे 3.362 प्लस 1.1 इंटू 1.1 इंटू क्या करोगे 3.362 का स्क्वायर, क्या आ रही है बी की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1+1.3 इंटू के कितना है 3.362 प्लस 1.1 इंटू 3.362 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4.2194, तो मैं ले लेता हूँ 4.422, ठीक है, चलो ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लिया हमने, थोड़ा सा ही ज़्यादा एग्जैक्ट किया, चलो तो एस इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा 4.22 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो गंगा का देंगे, गंगा चल रहा है अभी, एक ही रिवर पकड़ के चलना है एक बार में, ठीक है, जगह जगह भटकना नहीं है, नहीं तो आप कोई भी वैल्यू कहीं भी डाल दोगे, ठीक है, ये होगा कितना आ रहा है 2951, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं 2951 अंडर रूट, एन क्या आएगा, एन कितना है, एन क्या है, अभी तक एन क्या ले रहे थे, सैंपल साइज कितना है 92 है लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 92 लेंगे, ठीक है 92 ले लिया हमने, कितना आ रहा है ऐसे ही आ रहा है मेरे पास 4.22 इंटू 2951 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 92, ये आ रहा है मेरे पास 1298.33, ठीक है, चलो ये छोड़ देते हैं 1298 ले लेते हैं, तो अब मेरे पास x100 की वैल्यू का 1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, x1 क्या बोल सकता हूं मैं, x1 हो जाएगा, x100 कितना आया था मेरे पास 16360 यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से 16360 x1 इज इक्वल्स टू 16360 प्लस माइनस, या प्लस ले लेते हैं अभी हम, फिर एक माइनस से लिख लेंगे, ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू प्लस क्या आ जाएगा एसी इंटू एसी कितना है एफ, एसी है मेरे पास 1298 इंटू एफसी कितना है 1.96, तो ये आ जाएगा देखो 16360 प्लस 1298 इंटू 1.96, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18904 आ रहा है, 905 भी बोल सकते हो, और x2 कितना आ जाएगा 16360 माइनस 1298 इंटू 1.96, तो ये हो जाएगा आपका 13815, ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, ऐसे वेरी करेगी, देख लेते हैं हम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है 2550 आता है, 2544 आ रहा है हमारा प्लस माइनस, ठीक है, चलो पहला चीज हो गई, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमको क्या करना है, ये लिमिट किसकी आई है, ये तो 100 की आई है, ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर 1000 ईयर 95 कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है 95 कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर 1000 ईयर, तो क्या क्या चेंज नहीं होगा, ऐसी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ऐसी चेंज होगा ना, हाँ के भी चेंज हो गया, क्योंकि आपका के चेंज हो चुका है, तो मेरे को सारी वैल्यू फिर से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मेरी इतनी जगह में काम नहीं बन पाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, आगे भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है, चलो तो हम इसको मिटा देते हैं, ये वाला नोट डाउन हो गया सबका, है ना, ये वाला आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम यहीं पे लिख लेंगे दूसरा, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आएगा नहीं,
चलो इसी को मिटा देते हैं, चलो नोट हो गया होगा, इसी को मिटा के लिख लेते हैं हम, क्योंकि 1000 के लिए k की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, है ना। तो मैं लिख लूंगा 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर 1000 ईयर, इसको कर लो क्या फोर्थ, ठीक है, चौथी चीज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या आएगा, आगे हम निकाल लेंगे, अब हमको निकालना है x 1000 का, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, नहीं तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला x 1000 प्लस माइनस एफ सी इंटू एस सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं लिख ले रहा हूँ क्या, अब मैं लिख ले रहा हूँ एसी की वैल्यू, ठीक है। एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी। तो सबसे पहले बी से ही स्टार्ट करते हैं, सिंपल, बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 1+1.3k प्लस 1.1k स्क्वायर, ठीक है। तो बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1+1.3, के वैल्यू क्या आ रही है, के वैल्यू आ रही है 1000 के लिए 5.28, ठीक है, लिख देता हूं मैं, इनटू 5.2813 प्लस क्या करूंगा मैं, प्लस 1.1 इनटू 5.2831 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बी वैल्यू क्या आ रही है, अब बी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.3 इंटू 5.2813 प्लस 1.1 इंटू 5.2813 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 6.21, ठीक है, 6.086 आ रहा है, तो इसको 21 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी आ गया मेरे पास, नेक्स्ट मैं क्या निकालूंगा, एस ई निकाल लेता हूँ। एस ई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी आपका ऊपर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। तो बी आ रहा है मेरा कितना, 6.21 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मेरे पास कितना है 2951, तो मैं यहां पे रख दूंगा 2951 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 92। तो कितनी आ रही है एसी की वैल्यू, 6.21 इंटू 2951 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 92, ये आ रही है 1910.58 आ रहा है, ठीक है, चलो लिख देते हैं 58 भी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अब x1 क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू, x1 और 2 निकाल रहे हैं तो x1 में प्लस कर लेंगे हम, तो x1000 कितना आया है आपका, x1000 आया है मेरा 22020 आया है, 22020 प्लस एफ सी कितना लेंगे, 1.96 ही लोगे क्योंकि 95% ही लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 1.96 इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू आपका ये कितना आया है 1910, है ना, एस सी कितना आया 1910.58। तो x1 कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 1.96, ये आ रहा है प्लस 20020, ये आ रहा है 2576475, तो मैं इसको लिख देता हूँ 65, ठीक है। और x2 कितना आएगा, माइनस कर दोगे आप, है ना, तो x2 आ रहा है मेरे पास 1.96 प्लस 22020
तो ये तो हमारा ठीक आया है। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, माइनस जब मैं कर रहा हूँ तो आ रहा है मेरे पास 18275। ठीक है, दोनों आ गए मेरे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गई, दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट आ गई, 1000 ईयर की भी और 100 ईयर की भी। ठीक है, चलो अब क्या करोगे आप, ये तो आया सिर्फ रिवर गंगा, अब हम किसका देखेंगे, या रिवर यमुना का देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे रिवर यमुना का। चलो तो आप ट्राई भी कर सकते हो खुद से, अभी पॉज करके यमुना का आप खुद से निकालो सारी वैल्यूज, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यमुना रिवर करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर यमुना रिवर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट फॉर यमुना रिवर। ठीक है, फॉर रिवर यमुना। ठीक है, फॉर रिवर यमुना सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहली चीज हम इसमें निकाल लेंगे 100 ईयर फ्लड, 100 ईयर फ्लड। ठीक है, सॉरी, हम निकाल लेंगे x100। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा x100 का, x बार प्लस k स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो x बार क्या है आपका, x बार गिवन है मुझे, कितना है x बार, 56 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 33-60। ठीक है, k निकालना पड़ेगा, तो k 100 का फॉर्मूला क्या है, उसके पहले हम निकालते हैं हमेशा y100। तो y100 की वैल्यू है मेरे पास 4.6, है ना, जिनको अभी भी नहीं पता उनके लिए मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, ln माइनस ln ln 100 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो आएगा 4.6। अब हम निकाल लेते हैं k100 के लिए क्या चाहिए मुझे, y100 माइनस yn बार डिवाइडेड बाय sn। अब एक चीज आ गई है कि yn बार है ना और sn क्या हो जाएगा, सो फॉर सैंपल साइज कैपिटल n इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, सैंपल साइज कितना है, 54 है, और हमारा गंगा के रिवर में क्या था, 92 था। ठीक, तो 54 के लिए जब हम देखेंगे कि हमारी yn और sn की वैल्यू क्या है टेबल में, तो yn आएगा 0.5501 और sn आएगा 1.1667। ठीक है, तो मैं yn लिख देता हूं कितना है, 0.55, कितना बताया था ना, 0.5501। ठीक है, yn बार और sn आएगा कितना आया था, sn 1.1667। ठीक है, तो अब मैं यहां से निकाल सकता हूं k कितना आ जाएगा, k100 इज इक्वल्स टू मेरा y100 कितना आया था, y100 था 4.6 माइनस 0.5501 डिवाइडेड बाय 1.1667। तो k100 आ जाएगा, k100 कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4.6 माइनस 0.5501 डिवाइडेड बाय 1.1667, तो ये आ जाएगा 3.47। कितना आ जाएगा, 3.47। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब k100 आ चुका है, अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, x100। ठीक है, तो x100 आएगा मेरा, x100 इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू कितनी है, देखो हमने लिखी थी यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है, 56-27। ठीक है, तो 56-27 प्लस 3.47 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 33-60।
ठीक है, तो 33, 60, तो ये आ जाएगा आपके पास। आंसर कितना आ रहा है चेक करेंगे, तो आंसर आ जाएगा, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है कि y100 इज इक्वल्स टू 56 27 3.47 × 33 60, ये आ रहा है 17286। ठीक आ रहा है 17286, ठीक है, बुक में 17300 दिया है ना, तो 17286 लेके चलते हैं अपन। तो वो लोग थोड़ा सा आपको क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, और आपके राउंड ऑफ कर देते हैं मैक्सिमम तक, ठीक है। तो अपना आ रहा है 17286। चलो आगे देखते हैं, अब आ गया x100। अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट, पहला मैंने निकाल लिया 100 ईयर फ्लड, नेक्स्ट क्या करूंगा फॉर 1000 ईयर फ्लड, ठीक है, फॉर नेक्स्ट देख लेता हूं, फॉर 1000 ईयर फ्लड, 1000 ईयर फ्लड। तो सबसे पहले मैं 1000 ईयर के लिए क्या निकालूंगा, एक्स वाई 1000, तो वाई 1000 का फॉर्मूला आ जाएगा आपका ln 1000/999, ठीक है, कितना आ रहा है देख लेते हैं, -ln 1000/999, ये आ जाएगा 6.907, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, k 1000 के लिए क्या करोगे आप, 6.907। अब जो मेरा y बार आएगा है ना, yn बार और sn, वो तो सेम होगा क्योंकि सैंपल साइज तो सेम है, तो मैं यहां लिख देता हूं -0.5501/ sn कितना है 1.1667, कितना आ रहा है मेरा k 1000 आएगा 6.907 माइनस या डिवाइड बाय 1.1667 और -0.5501, तो ये हो जाएगा आपका 5.45 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 4486 आ रहा है, 45 ले लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका x 1000 कितना आ जाएगा, x 1000 आ जाएगा मेरा मीन कितना है, मीन है हमारे पास 56 27 प्लस के वैल्यू कितनी आ रही है 5.45 इंटू हमारा वो क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 33 60 33 60, तो ये आ गया मेरा x 1000, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया x 100 का, है ना। अब नेक्स्ट हम x 1000 का कितना आ रहा है देख लेते हैं, 56 27 प्लस 5.45 इंटू 33 60, ये आएगा 23,940, लिख देता हूँ 23,940 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। आ चुके हैं दोनों आंसर, और क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट क्या निकालना था, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट भी तो निकालना था, है ना, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना था किसके लिए, फॉर 100 ईयर्स एंड फॉर 1000 ईयर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं थर्ड, इसमें थर्ड चीज क्या निकालनी है हमको, थर्ड निकालना है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर 100 ईयर फ्लड, फॉर 100 ईयर फ्लड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है हमारे पास x12 इज इक्वल्स टू xt प्लस माइनस yc इंटू sc। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं sc, है ना, तो sc क्या आता है, sc की जगह हमको क्या निकालना पड़ेगा, b, तो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + 1.3 k + 1.1 k² ठीक है। तो देखो b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आएगी अराउंड, k की वैल्यू कौन सी रखोगे, k 100 रखोगे, k 100 कितना है 3.47, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 1 + 1.3 × 3.47 + 1.1 ×
3.47 का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया मैंने, के 100 लिया यहाँ पे, है ना। चलो आपको और हम एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3.47 प्लस 1.1 इंटू 3.47 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई है 4.33। अब मैं ऐसी निकाल सकता हूँ, ऐसी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी इज इक्वल्स टू b स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। तो b है मेरे पास 4.33, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3360 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 54। नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 54 है मेरे पास, ठीक है। चलो आंसर इन टू 3360 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 54, तो b की वैल्यू आ रही है, सॉरी ऐसी की वैल्यू आ रही है 1980। कितनी आ रही है ऐसी की वैल्यू, 1980। और मेरे पास क्या आ चुका है, एफ सी है मेरे पास। एफ सी कितना होगा देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। एफ सी कितना होगा फॉर 95%, याद हो गया होगा आपको 95% का कितना होता है 1.96। तो 95 में ज़्यादातर आपको टेबल भी नहीं दिया तो आपको याद है 1.96 है ना। इतने क्वेश्चन कर लिया हमने, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। एफ सी आ गया, अब हम एक्स वन निकालेंगे। एक्स वन के लिए क्या करोगे आप, प्लस कर देंगे। तो ये आ रहा था हमारे पास 1100 का कितना आ रहा था, 17286। तो 17286 माई प्लस 1.96 इंटू 1980। और एक्स टू के लिए मैं क्या करूँगा, 17286 माइनस 1.96 इंटू 1980, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कितनी आ रही है दोनों की वैल्यू, 0.96 प्लस 17286, तो ये आएगा 211.67.22, ठीक है। 211.67.22, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा अराउंड, बी कितना आया था एक मिनट, हम शुरू से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। 1980 इंटू 1.96, ठीक है, ये आ गया माइनस 17286, तो ये आ रहा है 13405 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूले में आपको यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है ना आंसर में। चलो देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, ठीक आ रहा है हमारा, तो ठीक है सही आ रहा है। चलो अब ये तो हो गया आपका क्या, 100 ईयर के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट। अब हम लास्ट चीज निकालेंगे 1000 ईयर के लिए, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर थाउजेंड ईयर्स, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.3 इंटू k कितना है, k 1000 5.45 प्लस 1.1 इंटू 5.45 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना आ रहा है, 1 प्लस 5.45 इंटू 1.3 प्लस 1.1 इंटू 5.45 का स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ रही है 6.39, आ गया b। अब मैं निकाल लूंगा ऐसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6.39 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरा, 3360। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3360
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 54, ठीक है। चलो देखो क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है मेरे पास 6.39 इंटू 3360 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 54, ये आ रहा है 2920, ठीक है 2921 आ रहा है, 2922 ले लो, चलो ठीक है 2922 ले लेते हैं हम, ठीक है। चलो ऐसे ही आगे अब हम क्या निकालेंगे, x1 एंड x2। तो x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा मेरे पास x1000 कितना आया, 23940, तो मैं यहां लिख देता हूं 23940 प्लस क्या करूंगा मैं 1.96, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए एफ सी कितना होता है 1.96 इंटू मेरा ऐसी वैल्यू क्या आ रही है, प्रोबेबल एरर आ रहा है 2922, ठीक है लिख लेता हूं मैं कितना आ रहा है 2922 इंटू 1.96 माइनस सॉरी प्लस कर लेते हैं 33940, ठीक है 23940, तो ये आ रहा है 29670 ले लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वैसे ही हमारा x2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 23940 माइनस 1.96 इंटू 29/22, ठीक है ये आ जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 18212, ठीक है मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे हमारे पास चारों आंसर, आठों आंसर, वैसे आठ आंसर बनेंगे इसके, क्वेश्चन दो पूछा था है ना, लेकिन दो अलग अलग रिवर्स थी। तो पहले हमने क्या किया, गंगा का निकाला 100 ईयर 1000 ईयर, फिर उसका 95% कॉन्फिडेंस लिमिट 100 के लिए 1000 के लिए, तो चार आंसर आ गए आपके एक ही रिवर के लिए। और वैसे ही हमने यमुना के लिए भी चार आंसर निकाले, ठीक है सिंपल है। अब आपको गंबल्स मेथड और ये कॉन्फिडेंस लिमिट क्लियर हो गया होगा।